नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टर्न द बस के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में हमने वृत्त पाठ को पढ़ा था, आज के वीडियो में हम उसको रिवाइज करेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम अपना रिवीजन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले एक वृत्त बनाता हूँ, बना दिया मैंने। ये वृत्त हो गया। इसमें हम ये केंद्र ले लेते हैं, केंद्र O। अब केंद्र से वृत्त पर हर एक बिंदु की दूरी बराबर होगी। इस दूरी को हमने क्या कहा था, त्रिज्या यानी रेडियस, जिसे हम R मान लेते हैं। अब अगर हम कोई रेखा लेते हैं जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम कौन सी रेखा कहेंगे, उसे हम छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है, या सेकेंड, ठीक है, ये हो गया छेदक रेखा। अब अगर किसी वृत्त पर किसी एक ही बिंदु से होकर कोई रेखा जाए, उसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु, ठीक है, ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा। ये ए बी हो गया हमारा छेदक रेखा, और हमारा एक्स वाई हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है, या अंग्रेजी में इसे हम टेंजेंट कहते हैं। अब वृत्त पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम कहते हैं जीवा या फिर कॉर्ड। मान लेते हैं ये एम एन है, तो एम एन हमारा क्या हो जाएगा, जीवा या कॉर्ड। अब सबसे लंबी जो जीवा थी उसे हमने क्या कहा था, वो हमारा था डायमीटर या व्यास, ठीक है। और हमने देखा था कि किसी भी एक बिंदु से होकर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगी, यानी अगर कोई बिंदु है हमारा यहाँ पर के, तो यहाँ से होकर सिर्फ एक स्पर्श रेखा गुजरेगी। और हमने क्या देखा था कि बाहर के किसी बिंदु से हम सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींच सकते, एक और दो। तो ये सब कुछ बातें हमने पिछले वीडियोस में देखी थी। और हमने क्या देखा था, तो पिछले वीडियो में हमने दो प्रमेय को सिद्ध किया था। हमारा पहला प्रमेय क्या था, हमारा पहला प्रमेय था, यहाँ पर आप एक वृत्त देख रहे हैं, तो हमारा पहला प्रमेय था कि अगर कोई स्पर्श रेखा है एक्स वाई और इस पर स्पर्श बिंदु है पी, तो हमारे केंद्र से इस पर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, यानी जो त्रिज्या होती है वो हमारे स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा पहला प्रमेय, ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रमेय क्या था, दूसरा हमारा प्रमेय था, एक हम सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा एक PA है और एक स्पर्श रेखा PB है, तो हमारा जो PA होगा
वो किसके बराबर होगा, पीबी के बराबर। इसे हमने कैसे सिद्ध किया था, तो इसे हमने आरएचएस सर्वांगसमता द्वारा सिद्ध किया था, ठीक है, और साथ ही साथ पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भी ये सिद्ध किया जा सकता है और हमने सिद्ध भी किया था, ठीक है। ये सब कुछ बातें हमने देखी है पिछले वीडियोस में। अब हम चलते हैं इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करने। और आप यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम प्रश्न देखते हैं, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ अगर हम एक वृत्त बनाएं, तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा ही गुजरेगी, और एक वृत्त पर कितनी बिंदुएं होती हैं, जी हाँ अनंत। तो अगर अनंत बिंदुएं होंगी तो हमारे पास एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अनंत यानी इन्फिनिटी। दूसरा प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आप देखिए एक वृत्त है, अगर एक हम स्पर्श रेखा बनाएंगे तो इसके समानांतर अगर हम रेखाएं बनाते जाएंगे तो हम पाएंगे कि सिर्फ एक और स्पर्श रेखा बन पा रही है जो इसके समानांतर है, बाकी सब तो छेदक रेखाएं हो जा रही है ना। तो एक वृत्त में दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं, उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब ये हमने देख लिया, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई। तो हमारा क्या दिया हुआ है, एक वृत्त, ठीक है, हमारा एक वृत्त दिया हुआ है, इसका सेंटर है हमारा O, इसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक, तो ये हमारा बिंदु P है और ये हमारा Q दिया हुआ है। तो OQ की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ये जो लंबाई है ये O हमारा केंद्र हो गया, OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिए हुए, त्रिज्या हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं त्रिज्या से हमारे स्पर्श रेखा पर ये जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि लंब होता है। तो हमारा OPQ जो हमारा त्रिभुज होगा वो कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो OQ हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो हमें PQ ज्ञात करना है, तो PQ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा,
बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा पी क्यू कितना हो जाएगा, वर्गमूल 119 का, 119 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। तो हमें इसमें क्या करना है कि एक हम वृत्त बनाते हैं और दो हम रेखा बनाते हैं, ये दोनों रेखा समानांतर होगी और इसमें से ये हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा और ये छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं आगे प्रश्नों पर। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रित वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो कि स्पर्श करती है छोटे वृत्त को संपर्क बिंदु पर विभाजित होती है। ठीक है, यानी हमें क्या सिद्ध करना है, ये हमारा दो सकेंद्रित वृत्त दिया हुआ है। सकेंद्रित वृत्त क्या होता है कि सभी वृत्तों का केंद्र एक होगा, तो C1 जो हमारा वृत्त है और C2 वृत्त है दोनों का केंद्र एक ही होगा। तो हमें यह सिद्ध करना है कि AP जो होगा वो PB के बराबर होगा। और हमारा दिया हुआ क्या है कि हमारा AB जो है वो स्पर्श रेखा है C2 यानी छोटे वाले वृत्त पर AB स्पर्श रेखा। अगर AB स्पर्श रेखा होगा छोटे वाले वृत्त पर तो ये जो हमारा कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम OA को मिलाते हैं और OB को मिला देते हैं, तो हमारा दो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, त्रिभुज, एक OAP और एक कौन सा बन जा रहा है, त्रिभुज OBP। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे OP जो हमारा है वो अभिनिष्ठ बिंदु है, OP जो हो गया हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब हमारा देख पा रहे होंगे जो AO है और वो किसके बराबर होगा, OB के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि AO और OB बड़े वाले वृत्त के त्रिज्याएं हैं, तो एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये हम इसे R मान लेते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये हमारा रेडियस किसके हो जाएंगे, C1 के। अब आगे देखिए, ठीक है, ये दो चीज हो गए। अब तीसरा चीज क्या हो जाएगा कि जो हमारा जो कोण APO है, कोण APO वो बराबर होगा कोण BPO के, और कितने के बराबर होंगे, ये दोनों 90 डिग्री, क्योंकि ये जो AB है वो हमारा स्पर्श रेखा है C2 वृत्त पर, इस वजह से ये लंब होगा केंद्र से गुजरने वाली रेखा से। तो इस वजह से हमारा जो OAP त्रिभुज है वो सर्वांगसम होगा OBP त्रिभुज के, RHS सर्वांगसमता के वजह से। ठीक है, तो अगर ये हमारा दोनों सर्वांगसम है त्रिभुज, तो हमारा AP जो होगा वो PB के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इसे हम CP CT कहते हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं।
तो अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों विभाजित हो रहे हैं, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं बाहरी बिंदु T से केंद्र O वाले वृत्त तक। सिद्ध कीजिए कि जो हमारा कोण PTQ है वो 2 गुनी है कोण OPQ के, यानी हमारा जो OPQ जो कोण बन रहा है, इसे हम कोण एक कह देते हैं, वो 2 गुनी है, या थीटा कहते हैं इसे, वो 2 गुनी हमारे PTQ के, PTQ के यानी इसके, इसे हम फाई कहते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो हमारा फाई है वो 2 थीटा के बराबर है। अब आप देखें यहाँ पे, ठीक है, ये एक ये एंगल थीटा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो OP है ये त्रिज्या है और TP जो है वो स्पर्श रेखा है, तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एक सेकेंड, मैं साफ कर देता हूँ, आपको बढ़िया से दिखेगा ये। ठीक है, और इस कोण को हमने 1 मान लिया, इस कोण को हमने 2 मान लिया, तो ये जो हमारा कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। तो जो ये कोण होगा ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस कोण 1, ये हमारा 90 माइनस कोण 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो दूसरे प्रमेय से हम जानते हैं कि जो हमारा TP होगा वो TQ के बराबर होगा। ठीक है, TP और TQ बराबर होगा, तो जो हमारा त्रिभुज बन रहा है TPQ वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, कि उसके जो 2 कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये 90 माइनस 1 है, तो ये भी 90 माइनस 1 होगा। तो अब तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं, इस TPQ त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं, तो कोण 2 जोड़, ये कोण 2 हो गया, जोड़ कोण जो हमारा TPQ है, यानी कि वो कोण कितने के बराबर हो है, 90 माइनस 1, कोण 1 के बराबर, 90 माइनस कोण 1 के बराबर। और जो हमारा TQP है वो भी कितना है, 90 डिग्री माइनस कोण 1 के बराबर, और ये तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब आप जोड़ें तो आप क्या पाएंगे, कोण 2 जोड़ 90 90 180 हो जाएगा, और माइनस माइनस हमारा प्लस में रहेगा, तो जोड़ 180 डिग्री माइनस 2 गुणे कोण 1 बराबर 180 डिग्री, ये दोनों कट जाएंगी, तो हमारा कोण 2 किसके बराबर होगा, 2 गुणे कोण 1 के बराबर में। ठीक है, और हमें यही सिद्ध करना था कि जो हमारा कोण 2 है वो 2 गुणे कोण 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, टीपी का मान, टीपी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा
पी आर होगा वो कितने के बराबर होगा, ये पूरा 8 सेंटीमीटर, ये आधा होगा 4 सेंटीमीटर, पी आर 4 सेंटीमीटर और पी ओ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा आर ओ कितने के बराबर हो जाएगा। आर ओ हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकाल सकते हैं, तो आर ओ बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर ओ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर ओ हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए जो हमारा त्रिभुज है टी पी आर, टी पी आर त्रिभुज, त्रिभुज टी पी आर और त्रिभुज पी आर ओ, देखिए त्रिभुज पी आर ओ देखिए, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को देखिए, ये इस कोण को हम कोण एक मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा इस त्रिभुज को देखेंगे तो हमारा जो कोण होगा ओ टी पी वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 1, और इस त्रिभुज में हम देखते हैं ये 90 डिग्री है तो हमारा ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण भी हमारा हो जाएगा 90 माइनस 1 के बराबर। तो जो हमारा कोण होगा आर टी पी वो कितने किसके बराबर होगा, वो कोण आर पी ओ के बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में टी पी आर और पी आर ओ में एंगल जो हमारा टी और एंगल पी बन रहा है वो बराबर होगा, एंगल आर और जो हमारा एंगल पी है टी पी आर में एंगल जो आर है टी पी आर और पी आर ओ में वो दोनों कितने के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो जो हमारा ट्रायंगल टी पी आर और जो हमारा ट्रायंगल पी आर ओ है वो समरूप होंगे। ठीक है, वो दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे, जो हमारा त्रिभुज टी पी आर है वो समरूप होगा त्रिभुज पी आर ओ के, ये किसके द्वारा, ए समरूपता द्वारा ये दोनों समरूप होंगे। अगर ये दोनों समरूप होंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो टी पी है बट्टा पी ओ वो किसके बराबर होगा, आर पी बट्टा आर ओ। ठीक है, क्योंकि जो संगत भुजाएं होती हैं उनका जो रेशियो होता है, एक आपका समरूप त्रिभुज में वो बराबर होता है, तो टी पी बाई पी ओ बराबर आर पी बाई आर ओ हो जाएगा। तो हमारा टी पी हमें निकालना है, तो टी पी बाई हमारा पी ओ, पी ओ हमारा 5 दिया हुआ है, तो टी पी बाई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर पी, आर पी हमारा कितना हो जा रहा है 4 सेंटीमीटर बाई आर ओ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमारा टी पी कितने के बराबर हो जाएगा, हमारा टी पी हो जाएगा 5 × 4/3 सेंटीमीटर यानी 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब अगला प्रश्न, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हमारा एक वृत्त है, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, Q बिंदु से हमारे
जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये P हो गया, ये Q हो गया, और केंद्र से इसकी दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिज्या निकालना है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हमें निकालना है OP। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, OP हमारा रूट अंडर 49 हो जाएगा। ये कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा A। आकृति 10.11, ये वाली आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 है, तो PTQ निकालना है हमें। ये कोण निकालना है PTQ। ये एक चतुर्भुज में चारों कोणों का जो जोड़ होता है वो 360 होता है। तो ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण कितने के बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि ये हमने प्रमेय एक में देखा। तो अब सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस जो कोण हमें निकालना है उसे हम मान लेते हैं x, तो प्लस x ये कितने के बराबर होगा, 360। तो हमारा x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 110, ये कितने के बराबर आएगा, हमारा x आ जाएगा 70 डिग्री के बराबर। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो POA बराबर है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि पहले बता देते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में हमारा क्या दिया हुआ है कि ये एक वृत्त है, इस पर P पॉइंट से ये हमारा बना हुआ है दो स्पर्श रेखा A और B। ये केंद्र है, ये हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 80 डिग्री दिया। तो हम जब केंद्र पर बनाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कोण 40 डिग्री, और ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, हमें ये कोण का मान बताना है। तो ये त्रिभुज में हमें दो कोणों का मान मालूम चल गया, एक का 40 डिग्री और एक का 90 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 जोड़ 40 प्लस इस कोण को हम x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा x कितने के बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री के बराबर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा A, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पे, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये हमारा अगर एक वृत्त है, तो अगर व्यास हम लेते हैं तो इसके अंत पर दो बिंदु होंगे A और B। तो यहाँ हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो हमें ये हमारा XY है स्पर्श रेखा एक, और दूसरा स्पर्श रेखा MN है। तो हमें सिद्ध करना है कि XY
जो है वो समानांतर होगी एम एन के। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जो रेखाएं होंगी वो समानांतर होंगी। तो जो ये ए बी रेखा है इसको हम थोड़ा और बाहर की ओर निकालते हैं। ठीक है, ये बाहर की ओर निकालते हैं। तो अगर एम एन और एक्स वाई समानांतर हैं होंगी तो जो हमारा ये ए बी रेखा होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा तिर्यक रेखा। ठीक है, ये हमारा कौन सा रेखा हो जाएगा, तिर्यक रेखा। तो यहां पर देखिए, ये जो हमारा व्यास होता है वो केंद्र से होके गुजरता है। केंद्र से होके गुजरेगा तो ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा और ये कोण भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो रेखाओं को समानांतर होने के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारा एकांतर कोण बनता है वो बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ एकांतर कोण कौन सा है, एम ए बी। एम ए बी यानी ये वाला कोण बराबर होना चाहिए एक्स बी ए के, यानी ये वाले कोण के। तो ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों 90 डिग्री है तो बराबर हैं। दूसरा कि हमारा यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स डी ए है कोण वो भी बराबर है एन ए बी के। तो हमारे जो एकांतर कोण है वो बराबर है, इसी वजह से हमारा जो स्पर्श रेखाएं होंगी व्यास के छोरों पे वो कैसी होंगी, वो समानांतर होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये हमारा एक वृत्त हो गया। ये हमारा केंद्र हो गया और ये हमारा कोई बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, पी बिंदु। पी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है एक्स वाई, ये स्पर्श रेखा एक्स वाई है। तो इस पर जो लंब होगा, ये लंब होगा बाहर के किसी बिंदु से हम क्यू लंब मान लेते हैं, ये जो लंब होगा ये केंद्र से होके गुजरेगा, ये हमें सिद्ध करना है। केंद्र ओ है मान लेते हैं। तो अगर हम सिद्ध कर पाए कि ये जो क्यू ओ रेखा है ये सीधी रेखा है तो हम जान जाएंगे कि हमारा जो ये रेखा है लंब रेखा है ये ओ से गुजरेगा, यानी केंद्र से गुजरेगा। तो एक सीधी रेखा का क्या खास प्रॉपर्टी होता है, मान लेते हैं एक पहले हम टेढ़ी रेखा, इसमें अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो अगर रेखा सीधी नहीं है तो ये जो कोण बनेगा ये या तो 180 से कम होगा या फिर 180 से बड़ा होगा। अब एक सीधी रेखा पर हम कोई भी बिंदु लेते हैं तो उस पर जो कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम ये दिखा दें कि P पॉइंट पर जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री है तो ये सेंटर से होके गुजरेगी। तो आप देखिए यहाँ OQ तो हमारा OP तो हमारा पहले से दिया हुआ है कि ये XY पर लंब है, हमें यहाँ देखना है। और हम प्रमेय एक से जानते हैं कि जो हमारा OP होगा
वो भी लंब होगा, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो 90 90 180 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमारा एक सीधी रेखा हो जाएगी, इसलिए ये कहां से होके गुजरेगी, केंद्र से होके गुजरेगी। अगला प्रश्न क्या है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, पहले हम एक वृत्त बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमारा केंद्र होगा, ये हमारा ए पॉइंट है, यहां से इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 सेंटीमीटर हो गया, OA हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये मान लेते हैं P बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाती है, तो हमारा AP जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा कोण, हमें OP ज्ञात करना है, तो फिर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो OP हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर का रूट, यानी कि ये √9 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, तो जो हमारा त्रिज्या होगा वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अगला प्रश्न क्या है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़ा वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमें यहां 2 वृत्त दिया हुआ है जो सकेंद्रित, छोटे वाले वृत्त पर ये हमारा C2 है छोटा वाला, और ये C1 है, ये केंद्र दोनों का एक ही होगा O, तो छोटे वाले वृत्त पर ये जो छोटे वाले वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो बड़े वाले वृत्त की ये जीवा हो जाएगी, तो दोनों का हमारा क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितने कितना दिया हुआ है दोनों का, एक का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एक का 3 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, तो हमारा OP कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले का त्रिज्या हो जाएगा, और OA हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बड़े वाले का त्रिज्या, तो OA मालूम है, OP मालूम है, और ये अगर हमारा स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, फिर हम पाइथागोरस प्रमेय से AP का मान ज्ञात करेंगे, तो AP का मान कितना हो जाएगा, √5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर हमारा कर्ण होगा, तो एपी हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, √9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ये कितने के बराबर होगा 3 सेंटीमीटर, ये √16 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 16, ये 4
सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये एपी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इधर भी ये पी बिंदु है तो पीबी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे जीवा का जो लंबाई हो जाएगा, जीवा का लंबाई का हमें ज्ञात करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, तो 4 जोड़ 4 8 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी के बराबर होगा। आकृति 10.12 देखना है, तो आकृति 10.12 ये है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, एबी प्लस सीडी इज इक्वल टू एडी प्लस बीसी। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप यहां देखेंगे, हमें सिद्ध करना है, यहां मैं लिख देता हूं ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हमने प्रमेय 2 में देखा था कि बाहर के किसी एक बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं का मान जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर भी आप देखिए कि हमारा जो ये dr होगा, dr को हम मान लेते हैं x, वो बराबर होगा ds के, तो ये भी हमारा हो जाएगा x। ये अगर हम RC को Y मानते हैं तो CQ भी हो जाएगा Y। अगर BQ को M मानते हैं तो PB भी हमारा हो जाएगा M। इसी प्रकार AS को हम N मानते हैं तो AP भी हो जाएगा N के बराबर, ठीक है। तो अब हम सभी को जोड़ के देखते हैं, तो CD कितने के बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई, और हमारा ए बी कितने के बराबर हो जाएगा, m प्लस n। तो हमारा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी, ये हमारा हो जाएगा। अब हम डी एस कितने के बराबर, डी ए कितने के बराबर हो जाएगा, या फिर बोले ए डी कितने के बराबर हो जाएगा, n प्लस x, और सी बी कितने के बराबर हो जाएगा, वाई प्लस एम, यानी कि ये भी कितने, ये कितना हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि ए डी प्लस सी डी भी एक्स प्लस वाई एम प्लस एन के बराबर हो रहा है, और हमारा ए डी प्लस बी सी भी एक्स प्लस वाई एम प्लस n के बराबर हो रहा है। इसीलिए हमारा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अगला प्रश्न। आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स प्राइम वाई प्राइम ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स प्राइम वाई प्राइम को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि जो हमारा कोण होगा ए ओ बी वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो हमारा ए ओ बी कोण होगा, ये कोण कितने के बराबर होगा, ये 90 डिग्री के बराबर। हमारा दिया हुआ क्या है कि एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई प्राइम हमारा दो स्पर्श रेखा है, और ए सी भी एक तीसरा स्पर्श रेखा है। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक सी और ओ को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, सी और ओ को ज्वाइन कर देते हैं।
अब यहां पर आप क्या देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ दो त्रिभुज बन पा रहे हैं, एक POY और एक ACO। एक POY त्रिभुज है और एक त्रिभुज हो रहा है ACO। ये दोनों त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि जो OY है हमारा, एक सेकंड, जो हमारा OY है वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में कॉमन हो जा रहा है। और फिर क्या, हमारा PY जो है वो YC के बराबर होगा। जो हमारा PY है वो YC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से दो जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। फिर तीसरा हम क्या देख रहे हैं कि OC जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? OP के, क्योंकि एक ही वृत्त के दो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, यानी सब त्रिज्याएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इस वजह से जो हमारा POY और AOC जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अगर वो दोनों सर्वांगसम होगा तो हमारा जो ये एंगल है, ठीक है, और ये एंगल है, ये बराबर होगा। तो हमारा एंगल जो PYO है और जो एंगल हमारा OAC है वो बराबर होगा, OAC बराबर होगा। इसी प्रकार हम नीचे भी जो दो त्रिभुज बन रही हैं OQB और जो त्रिभुज बन रहा है OBC, ये दोनों भी सर्वांगसम हो गए। इस वजह से जो हमारा एंगल होगा OBQ वो बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा OBC के, OBC के। तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल, इसे हम ये एक बोलते हैं तो ये भी एक हो जाएगा, इसे हम दो बोलते हैं तो ये भी एंगल दो हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो हमारा तिर्यक रेखा होता है, जो हमारा AB है वो एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो तिर्यक रेखा में ये दोनों जो एंगल होता है इसका जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल एक प्लस एंगल एक प्लस एंगल दो प्लस एंगल दो, ये कितना के बराबर होगा? 180 डिग्री। यानी कि दो गुने एंगल एक प्लस एंगल दो, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी हमारा एंगल एक प्लस एंगल दो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा साफ कर देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा एंगल है, एंगल एक, और ये हमारा एंगल दो है, तो ये दोनों 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है। तो हम जो त्रिभुज है, त्रिभुज BOY, त्रिभुज BOY में देखिए हमें सिद्ध क्या करना था कि हमें सिद्ध करना था यहाँ पर देखिए कि एंगल BOY कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। तो एंगल जो त्रिभुज है BOY, इसके तीनों कोणों का जोड़ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस कोण को हम थीटा कर देते हैं, यानी हमें थीटा 90 डिग्री प्रूव करना था। तो हमारा क्या हो जाएगा? थीटा
थीटा प्लस एंगल एक प्लस एंगल दो बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, माफ कीजिए, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। और हमने अभी अभी क्या देखा था कि जो एंगल एक और एंगल दो का जो जोड़ है वो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो हमारा जो थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसका मतलब जो हमारा थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, वो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वृत्त पाठ है ये खत्म होता है, धन्यवाद।